हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति राजपूत आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल वैदिक स्पीक में, जहां आपको डेली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आपको डेली इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। फ्रेंड्स, सर्दियों में संतरे जैसा फल बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। ये सिर्फ स्वाद की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। संतरे में मैग्नीशियम और पोटेशियम अधिक मात्रा में होती है, इसलिए ये उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन सी की अधिक मात्रा होने के कारण संतरे के सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है और कोल्ड और फ्लू जैसे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। प्रतिदिन संतरे के जूस का सेवन से किसी भी प्रकार के कैंसर की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि संतरे के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गठिया के मरीज को भी संतरे के जूस का सेवन करना चाहिए, इससे किसी भी प्रकार के दर्द से आराम मिलता है और वजन भी नियंत्रित होता है। संतरे के जूस में फोलेट पाया जाता है और फोलेट घाव को भरने में और नए सेल्स को निर्माण करने में मदद करता है, इसलिए चोट लग जाने पर संतरे का जूस पीने से आपको रिकवरी करने में आसानी होगी। खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, इसके लिए लोग मोटी रकम खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नियमित रूप से एक गिलास संतरे का जूस पीने से ही आपकी त्वचा से लेकर बाल और नाखूनों में निखार आने लगेगा और आप और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगेंगे। संतरे का पीला रंग सूरज की किरणों से त्वचा को होने वाले नुकसान में कमी करता है, ये त्वचा के लचीलेपन में सुधार भी करता है। संतरे में विटामिन सी, पोटेशियम और फ्लोरिक एसिड भी होती है और ये खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। विटामिन सी कोलोजन के साथ ही पौष्टिक लूटीन के उत्पादों के लिए भी अनिवार्य है और कई विशेषज्ञों के अनुसार तो ये झुर्रियों को दूर करने के लिए भी काफी फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। वैदिक और एस्ट्रो से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वैदिक स्पीक।